टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान, जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरण मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233-22-3322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ। नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पेंशन के नाम पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुई ठगी, सोने चांदी के जेवर उतरवाए और लेकर फरार हो गई शातिर महिला। फतेहपुरा में ध्वस्त की गई दुकानों का मलबा हटाने का काम दूसरे दिन भी रहा जारी। यूडीए ने 24 घंटे का नोटिस दिया है और ध्वस्त कर दी 50 साल पुरानी दुकानें। और ऑनलाइन रैकेट चलाते हुए लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी, नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में हुआ खुलासा, 3 गिरफ्तार। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उदयपुर जिले के गोगुंदा स्थित गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गोगुंदा पिंडवाड़ा मार्ग पर गसियार के समीप एक सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने बाइक सवार दो सगे भाइयों के साथ एक मासूम बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार को मौके से लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार लोसिंग के झालू का गुड़ा निवासी आशु गमेती पिता सवा गमेती, बालू गमेती पिता सवा गमेती और मासूम बच्ची बेन की उदयपुर से अपने घर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान चाय पीने के लिए वापस लौट कर गसियार की ओर जा रहे थे, तभी गोगुंदा की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और हाईवे पर चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे के बाद कार चालक कार को मौके से लेकर भाग गया। हादसे की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर बड़गांव पुलिस का जाप्ता, हाईवे पेट्रोलियम टीम के साथ भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को भी मौके पर पहुंचाया गया, जहां से पुलिस ने तीनों के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को हादसे की सूचना दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को परिजनों से मिली रिपोर्ट के आधार पर शवों का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वृद्धावस्था की पेंशन दिलाने के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी करते हुए एक शातिर महिला द्वारा वृद्ध महिलाओं के गले और नाक कान में पहने हुए जेवर को लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। ठगी की शिकायत हुई महिला घंटाघर क्षेत्र में रहने वाली बताई जा रही है। वृद्ध महिलाओं को पैसे दिलाने के नाम पर पहले नगर निगम लाया गया, इसके बाद उन्हें बैंक से पैसे दिलाने के बहाने देपारी ले जाकर उनकी जेवर लेकर आरोपी महिला फरार हो गई। उदयपुर के घंटाघर क्षेत्र में रहने वाली चार महिलाओं के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हुए एक शातिर महिला द्वारा उनके जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगा है। पीड़ित महिलाओं ने बताया कि एक हट्टी कट्टी और सांवली सी महिला पैंट शर्ट पहने हुए उनके घर आई और वृद्ध महिलाओं को पैसे देने के बहाना बनाकर पहले नगर निगम कार्यालय ले गई, जहाँ किसी शख्स से बात करवाने के बाद उसने सभी महिलाओं को बैंक से पैसे दिलाने का बहाना बनाते हुए देबारी की ओर ले जाया गया। बैंक के पास पहुंचकर इस शातिर आरोपी ने सभी महिलाओं द्वारा पहने हुए जेवर यह कहकर उतारवा दिए गए कि आपने सोने चांदी के जेवर पहने हुए हैं, ऐसे में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद शातिर महिला ने सभी महिलाओं द्वारा पहने हुए जेवर लेकर उन्हें कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा और मौके से फरार हो गई। पीड़ित महिलाओं ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई, साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली महिला को गिरफ्तार कर उनके जेवर दिलाने की मांग की गई है। कहाँ रहते हो आप? घंटाघर। हाँ, कहाँ रहते हो? घंटाघर। क्या नाम है आपका? देव भाई। क्या हुआ आपके साथ में? ये गेना ना कान रखो गया, खुला के लेके चले गए। क्या कहा क्या आपको? एक अंगूठी, कुछ नहीं के आप अट देर जाओ, मैं आई हूं। तो कहाँ, टाउन हॉल के यहाँ से? हाँ, टाउन हॉल आगे अटू बेटा या। हाँ, बटे छोड़िया। कहाँ पे? देवाली। देबारी ने बांध ने। अच्छा, देबारी लेके चली गई और वहाँ पे सारा सामान लेके वो चली गई। हाँ, के अंदर जाएंगे जो जेवर है तो खोल के मेरे को दे दो। अच्छा, बैंक में ले जाओ। बैंक में अंदर ले जाऊंगा। क्या आपका क्या क्या सामान लिया उसने? कान का चूड़ियां, पगों में पैसे, देखो
मारे कामरान चेनन एक अंगूठी। आपके क्या क्या ले गए? एक तो कामरान चेनन तेरवा रो हाँ। एक अंगूठी अच्छा हाँ। तो आपके आपको मिली कहाँ पे वो? एक मिनट रुको, आपके कहाँ पे आई थी वो? घर पे आई थी और वहाँ से बुला के लेके गई और वहाँ से देवारी लेके गई। उस टेम्पू वाले के कौन था, क्या पैसे किसने दिए? किसी ने कुछ और वहीं पे छोड़ के चली गई इनको। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ से वापस कैसे आया? आप वहाँ से कैसे आए? मैंने बैठे ही निबरी की छोड़ दे, तो मैं पकड़ चले कोस खान तो अच्छा मैं लंबा टाइम पर बैठ हाँ छोड़ उतर। कैसी थी वो दिखने पे? थोड़ी जाड़ी सी, काली सी है। और वो कितने जने? एक जने थी? एक गली सी, दो थे, दो तीन थे। क्या केस ना पेंट लिया का लोन? अच्छा, किससे ठरी को किया? तो आप उनके कहने में कहाँ आ गए, कैसे क्या हो गया? हमारे घरे आई, हमारे घर पे आई और नगर निगम कैसे दे रहे हैं? हाँ हाँ, आपने है क्या पैसा दे दिया सरकार? अच्छा, यहाँ पे नगर निगम में, नगर निगम में पैसा दे दिया। चलो मालदारे मेरे भाई कई खबर का फोटो उतारेगा हाँ। किसी को मत कहना, फोटो उतार के दे देंगे वापस, कैसे दे रहे कई। और यहाँ से वो देबारी ले गई तो आपने मना नहीं किया? देबारी क्या है? एक बार बैंक है और अच्छा यहाँ के पैसे वहाँ देंगे हाँ, हाँ, यूं क्यों? माने के बटा बैंक है माने करके खोल दो, अंदर मैडम है जेवर देखेगी तो पैसे हाँ। नहीं देगी जो बन रहा है मैं पगा में कन्नी ये भी दे दो इतना सारा। चिल्लाओ मत, ये लो वाइटेक्स लिक्विड डिटर्जेंट, काम जल्दी और आसानी से होगा, कीमत कम काम में दम, कपड़ों की लाइफ बढ़ाई आपके बजट में आए। वाइटेक्स होम्स क्लीन होम्स। यूडीए ने फतेहपुरा चौराहे पर 50 साल पुरानी करीब 24 दुकानों को ध्वस्त करते हुए बड़े हिस्से पर कार्रवाई की है। यूडीए ने इसे अपनी जमीन बताते हुए यहां मौजूद दुकानदारों द्वारा 24 घंटे की मोहलत देते हुए दुकानें खाली करने की नोटिस चस्पा किए थे। रात 11 बजे बाद चस्पा किए गए नोटिस के महज 18 से 19 घंटे बीतने के बाद ही यूडीए ने बुलडोजर चलाते हुए 20 से ज्यादा दुकानें ध्वस्त कर डाली। फतेहपुरा चौराहे पर बनी दुकानें शनिवार रात बंद करके व्यापारी अपने घर चले गए थे। रविवार को दुकानें खोलने पहुंचे तो उनकी दुकान के बाहर यूडीए का नोटिस लगा हुआ पाया गया, जिस पर लिखा था 24 घंटे में इन दुकानों को खाली करते, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी को समझ पाते किसी से सलाह मशवरा करते इससे पहले ही उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया गया। 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए था, वो भी उन्हें नहीं दिया गया। इसी दौरान शाम ढलते ही वहां बुलडोजर का पहुंचना शुरू हो गया और कुछ ही पलों में बुलडोजर गरजने लगे और एक के बाद एक कार्रवाई का दौर शुरू हो गया और 20 दुकानें ध्वस्त कर डाली गई। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस जाप्ता मौजूद था। किसी व्यापारी ने अपना विरोध जताया तो पुलिस ने उसे पकड़कर साइड में कर दिया। देर रात चली कार्रवाई के बाद सोमवार सुबह भी इस स्थान से मलबा हटाने की कार्रवाई जारी रही। चौराहे चौड़ा करने व ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने को लेकर यूडीए ने यह कदम उठाया है। यूडीए की टीम के पहुंचने पर दुकानदारों का विरोध भी शुरू हो गया। यूडीए टीम और दुकानदारों के बीच बहस के दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लिया। इसके बाद जेसीबी की मदद से एक के बाद एक दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि चौराहे को चौड़ा करने और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई। करीब 20 से 24 दुकानें तोड़ डाली गई। अभी भी यूडीए की कार्रवाई जारी है और रोड पर पड़े मलबे को साफ करवाया जा रहा है। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड्डी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आय हाय। लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिनों ने काम में शामिल एक नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश ऑनलाइन रैकेट चलाते हुए लोगों को लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देने का काम कर रहे थे। सलूमर थाना पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस और कॉल गर्ल के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र कुमार पिता हीरालाल पटेल, पवन पिता देवीलाल पटेल, मुकेश पिता नाथू पटेल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को भी डिटेन किया है।
पुलिस ने आरोपियों को दबोचने के बाद उनसे पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली तो आरोपियों के पास से 6 मोबाइल और 7 सिम कार्ड भी बरामद हुए। पुलिस ने सभी मोबाइल और सिम कार्ड को जब्त कर लिया है। थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि गणेश घाटी पर नाकाबंदी के दौरान वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान एक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी को रुकवाया गया तो बोलेरो में बैठे सभी लोग घबराने लगे और अपने पास मौजूद मोबाइल भी छिपाने का प्रयास कर रहे थे। शंका होने पर उनके मोबाइल चेक किए गए और एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को लड़कियां उपलब्ध कराने का रैकेट चलाते हुए लोगों को लड़कियों के फोटो उपलब्ध करवा रहे थे। कई अनजान नंबरों से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर चेटिंग का पता लगाने के बाद एक एक कर आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें पता लगा कि वे सोशल मीडिया पर लड़की की फेक आईडी बनाकर विज्ञापन देते थे। आईडी पर ग्राहकों के मोबाइल नंबर लिए जाते और उनसे लड़कियों के फोटो भेजकर समय और रेट तय की जाती। आरोपियों द्वारा ग्राहक से पहले ही ऑनलाइन पेमेंट ले लिया जाता। पेमेंट आने पर ग्राहक का नंबर या तो ब्लॉक कर देते या फिर उसे जवाब देना बंद कर देते। बदनामी के डर से कोई ग्राहक थाने में रिपोर्ट करने नहीं आता। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महेंद्र कुमार पिता हीरालाल पटेल, पवन पिता देवीलाल पटेल, मुकेश पिता नाथू पटेल को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को डिटेन किया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। पशुओं का चारा काट रहे कृषक की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। चारा काट रहे कृषक का हाथ मशीन में आने के बाद कृषक का पूरा शरीर ही मशीन में चला गया और कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। कृषक की मौके पर ही मौत हो गई। थ्रेसर मशीन में आने से कृषक की दर्दनाक मौत हो गई। उसका शरीर कई टुकड़ों में तब्दील हो गया। कृषि कार्य करने के दौरान हुई इस हादसे में युवक के मशीन में फंसने से शरीर में कई टुकड़े हो गए। कृषक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना आमेट उपखंड के जेतपुरा पंचायत के सेगनवास गांव में हुई है। नारायण गुर्जर नामक युवक की इस दौरान हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। रात्रि के समय घरों में चोरी करने वाली 47 गैंग के 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 किलो चांदी और सोने के आइटम्स चोरी किए थे। 25 अक्टूबर को अंजाम दी गई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 47 गैंग के 3 शातिर बदमाशों को धर दबोचा है। पुलिस थाना दोवड़ा जिला डूंगरपुर के रहने वाले लालू पिता पेमा आहारी उम्र 50 वर्ष निवासी गोड़ी आमली देव सोमनाथ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह एक महीने से अपने परिवार सहित अहमदाबाद मजदूरी के लिए गया हुआ था। दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे उसके भाई का फोन आया। फोन पर उसने बताया कि तुम्हारे मकान का ताला टूटा हुआ है और घर के अंदर अलमारी व ड्रम का भी ताला टूटा हुआ है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। उसने बताया कि चोरों ने उसके मकान से जेवरात आदि चोरी कर लिए हैं। सूचना के बाद लालू व उसकी पत्नी मोगी तुरंत घर पहुंचे। मकान के अंदर देखा तो 70 तोला चांदी, जोड़ 30 तोला साखली चांदी, 20 तोला तागली चांदी और 15 तोला की आयली आदि सहित करीब 2 किलो से भी ज्यादा चांदी के जेवर और सोने के कुछ आइटम्स गायब थे। पुलिस ने BNS की धारा 331-4305 ए में दर्ज कर आज सूचना संकलन व परंपरागत पुलिसिंग का समन्वय करते हुए घोड़ी आमली गांव के 3 लड़कों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उनको डिटेन किया। सभी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर सभी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने एक अशोक उर्फ मगना पिता लक्ष्मण आहारी,
दो नितिन उर्फ नीतू पिता प्रकाश आहारी, तीन प्रवीण उर्फ पिंटू आहारी पिता लक्ष्मण को गिरफ्तार किया है। सभी घोड़ी आमली थाना दोवड़ा के रहने वाले हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, नेक से एक रेट प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। पेंशन के नाम पर बुजुर्ग महिलाओं के साथ हुई ठगी, सोने चांदी के जेवर उतरवाए और लेकर फरार हो गई शातिर महिला। फतेहपुरा में ध्वस्त की गई दुकानों का मलबा हटाने का काम दूसरे दिन भी रहा जारी। यूडीए ने 24 घंटे का नोटिस दिया है और ध्वस्त कर दी 50 साल पुरानी दुकानें। और ऑनलाइन रैकेट चलाते हुए लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी, नाकाबंदी के दौरान चेकिंग में हुआ खुलासा, तीन गिरफ्तार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान, जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरण मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 82। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।